आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? वाकई आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल में वर्सटाइल जय। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ इसको ट्राई भी करें और कैसा बना आप मुझे बताएं भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पनीर की सब्ज़ी बता रही हूँ, एज अ लाइक अ जुगाड़ू पनीर। आपके पास जब ज़्यादा सामान ना हो, कम सामान में भी रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग वाली सब्ज़ी खानी हो तो आज की ये सब्ज़ी। तो आइए बनाते हैं पनीर की ये सब्ज़ी। सबसे पहला काम करेंगे हम बेसन को रोस्ट करेंगे। देखिए, हम दो लोगों की सब्ज़ी के लिए, मतलब 150 से 200 ग्राम तक पनीर है, इतना के लिए हम 2 चम्मच बेसन लेंगे। बस पहला काम करना है हमें बेसन को धीमे आंच पे थोड़ा सा भूनना है। पहले हम इसको भून के हटा लेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे। बेसन को एकदम से जलाना नहीं है, बस जब हल्का सा सोना सा स्मेल आने लगे बेसन का। अब इसमें 2 इलायची और 2 लौंग डालना है हमारा, और थोड़ा प्याज डालना है। अब इसको पहले हम निकाल लेते हैं। इसमें एक बड़ा टमाटर कट करके फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये फ्राई हो गया है तो इसको निकाल के अब इसका हम मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें तेल डाल के हम थोड़ा पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये हमारी तैयारी हो चुकी है। बस बनाने के पहले की ये वो प्याज और टमाटर वाला पेस्ट है जो अभी हमने बताया था भून के, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये पनीर फ्राई हमने किया था वो पनीर फ्राई करके रख ली हूँ, और ये कुछ सूखे मसाले, और ये बेसन जो सबसे पहले मैंने हमने बेसन रोस्ट किया था ये वो बेसन है, ये कश्मीरी लाल, ये तीखा लाल, धनिया पाउडर, ये काली मिर्च, ये जीरा और ये हल्दी। तो आइए अब पनीर की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसमें पनीर फ्राई किए थे वही कढ़ाई, उसमें थोड़ा बहुत तेल था तो मैं सोची चलो इसी में बना लेती हूँ, तो दूसरे वाला कढ़ाई को रहने देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, उसके बाद में डालूंगी ये बे लीव्स, तेजपत्ता, थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे, और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हल्दी और लाल मिर्च। बोलते हैं मसाला में पहले हल्दी और लाल मिर्च फ्राई करने से सब्जी का जो कलर होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, तो ये सब हम पहले डाल देते हैं। बस ज़्यादा इसको मतलब मसाले को जलाना नहीं है, बस डालते ही फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट करते हैं, क्योंकि हल्दी और मिर्ची तो जल्दी जल जाएगी ना। आँच को आप एकदम धीमा कर लीजिए, धीमे आँच पे इसको थोड़ा सा लहसुन अदरक को भूनेंगे। अब हम इसमें ये जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था ये डाल देंगे। अब थोड़ा सा लेमन
तेज कर देंगे गैस का। और इसको अच्छे से मसाले को भूनेंगे। हमारे मसाले थोड़े भून चुके हैं, अब स्टेज पे जो भी सूखे मसाले और थे हमारे पास, ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये धनिया वगैरह, जीरा, ये सारा सूखा मसाला हम इसमें डाल देंगे और साथ में नमक भी डाल देंगे ताकि ये मसाला थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो तो उसमें अच्छे सा टेस्ट भी आए। मसालों को मिला के अच्छे से फ्राई करना है। देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, अब मसालों में हो गई है दोस्ती, ये सब एक साथ आ गए। देखिए अब एक साथ आने लगे सारे मसालों की फ्रेंडशिप कंप्लीट और हमारा मसाला का फ्राई भी कंप्लीट। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे ये जो हमने अपना भुना हुआ बेसन रखा था, इसको भी डाल देंगे और इसके साथ, और आँच एकदम कम कर दीजिए आप, कम आँच पे इसको भी अच्छे से इसके साथ थोड़ा पूरी पक्की वाली फ्रेंडशिप कराना है ये लोग, बस सब एक साथ रहे बिल्कुल भी अलग ना हो। ये देखिए पक्की वाली फ्रेंडशिप कंप्लीट, तो हमारा मसाला भी कंप्लीट। अब इसमें डालेंगे हम पानी, पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा एक ही बार डालने से क्योंकि बेसन बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। मसाले को अच्छे से थोड़ा गीला जैसा करना है पहले हमें, हमने बेसन डाल रखा है ना, तो बेसन आपको पता है कि वो फटाफट गाढ़ा होने लगता है, तो ऐसे ही थोड़ा 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 पानी डालते जाएंगे स्टार्टिंग में हम, एकदम से गाढ़ा भी ना हो। और अब थोड़ा सा लेम्प को कर देंगे तेज, इसको थोड़ा सा और ऐसे भूनेंगे, हमारा नहीं चिपकेगा बेसन। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका बेसन चिपके नहीं, इसलिए थोड़ा सा चलाते रहना फटाफट। अब इसमें हम डाल देंगे और भी पानी, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग से। इसमें हम अभी और पानी डालेंगे क्योंकि बेसन बाद में गाढ़ा होने के बाद, सॉरी ठंडा होने के बाद वो गाढ़ा हो जाता है बहुत। अभी इसको बॉईल होना है, फिर हम अपना पनीर भी डालेंगे, तो पानी का अकॉर्डिंग मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग भी देख लो। मुझे तो इसको अच्छे से भी बॉईल कराना है। और ये सब्जी चपाती, नान, पराठे, इन सब चीज़ों के साथ इतना अच्छा लगता है, आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। अब जैसे मैं बिना चावल के नहीं रह सकती, और ऐसी सब्जी बनाऊंगी तो मैं तो पक्का चावल के साथ खाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स अभी ज़्यादा बॉईल भी नहीं हुआ और हमारी ग्रेवी ऐसे इतना पानी देने के बाद भी कितना गाढ़ा लग रहा है, ये पता है। जब आपके पास ज़्यादा सामान ना हो और फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो, तब पनीर की सब्जी बनानी हो तो ये ट्रिक तो बहुत मस्त है, बहुत काम आता है, फिर अच्छे से गाढ़ी ग्रेवी बनेगी। मस्त बनाइए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग और टेस्ट करके बताइएगा। काश कि मैं आप लोगों को टेस्ट करा पाती, ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है ये सब्जी। आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हो, मुझे गरम मसाला का ज़्यादा टेस्ट पसंद नहीं है, फिर भी हमने वो लौंग इलायची वगैरह तो पीसा ही था प्याज के साथ, बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी। आपको पसंद हो तो आप डाल लीजिए ऊपर से। और यहाँ पे एक और चीज़, जैसे लास्ट में बहुत लोग क्रीम डालते हैं, अभी अब वो भी हमारे पास नहीं है, जब वो भी ना हो, उसका भी ऑप्शन ना हो, तो उसके लिए भी क्या करना है हमें, जो हमारी ताज़ी मलाई होती है दूध की, जो हम मलाई लेते हैं, उस मलाई को ऐसे प्लेट में लेके और स्पून से इसको अच्छे से एकदम पेस्ट बना लेना है। देखिए हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है, बस अभी जस्ट थोड़ा ही देर बॉइल हुआ है, अभी
ये हमारा लास्ट स्टेप, बस हम इस मलाई को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। कंप्लीट हो गई हमारी सब्जी। इसको थोड़ा सा मिला देंगे। वाव, देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारे ग्रेवी का। बस ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई। आइए अब इसको प्लेटिंग करते हैं। देखिए हमारी पनीर की सब्जी बनके तैयार है। मैंने डेकोरेशन के लिए ऊपर से थोड़ा सा पनीर छिड़क दिया है। आप ऐसे बनाएं, सर्व करें और एक बार ट्राई ज़रूर करें डिलीशियस पनीर की सब्जी। थैंक यू फ्रेंड्स।